म्यूचुअल फंड टाइम के साथ बहुत ज़्यादा उभरता हुआ ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म में हम सभी को आजकल दिखता है, तो मैं आज कुछ ऐसे मिथ, ऐसे जो मिसकंसेप्शन है बताना चाहूँगी म्यूचुअल फंड को लेके जो लोगों में है। पहला जो मिसकंसेप्शन ये है कि म्यूचुअल फंड में बस अमीर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ सुना हुआ है तो आपने ये गलत सुना हुआ है। मिनिमम 500 से लेके आप ये अमाउंट से लेके जितना आपकी कैपेसिटी है आप उस कैपेसिटी तक जा सकते हैं और उस लेवल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है एक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मंथली अगर आपको करना है तो आप मंथली कर सकते हैं, आप लमसम करना चाहती है आप लमसम कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर अमीर है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है तब आप नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों में होता है वो ये होता है कि जब तक आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कंसेप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके फंड मैनेजर्स जो रहते हैं वहीं आपको सजेस्ट करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए अगर आपका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो आपको वो उस हिसाब से फंड सजेस्ट करेंगे। आपका अगर रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है तब आपको उस हिसाब से वो लोग फंड सजेस्ट करेंगे। तो ये कंसेप्शन बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। हो ही सकता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है लेकिन आपके फंड मैनेजर आपको जरूर सजेस्ट करेंगे और आपको इस सिचुएशन में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो जो सजेस्ट करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सजेस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि मैंने अगर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे हर साल हर महीने मुझे इतने सारे रिटर्न आते रहेंगे और मैं बैठ बैठ के खा सकता हूं, मुझे और मार्केट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत कंसेप्शन है। आपको हमेशा म्यूचुअल फंड एक मार्केट बेस्ड फंड है। मार्केट ऊपर नीचे होने से म्यूचुअल फंड के जो भी फंड होता है वो इफेक्ट होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका फंड मार्केट में कैसा कर रहा है और आपके जो गोल्स है, आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपको मार्केट के हिसाब से चेंज करते रहनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आता है वो एक मार्केट बेस्ड होता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में अगर देख के बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड बस लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको अगर शॉर्ट टर्म में कोई पैसा चाहिए तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जो कि बिल्कुल एक गलत कंसेप्शन है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फंड सजेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ मैं द्युति दत्ता अलविदा लेती हूँ आपसे। जल्द मिलूंगी आपसे कोई नए एडवाइस और सजेशन के साथ। तब तक मेरी वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है यहां पे आके आपको नए नए सजेशन और नए नए चीजों के बारे में बताने के लिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी है तो हमारे फाइनेंशियल टोल फ्री नंबर पे एक मिस कॉल करें, बस 0226181611 एक मिस कॉल की बात है बस, आप प्लीज करें और हमारे मनी डॉक्टर्स आपको जल्द कॉल करके सारी फाइनेंशियल क्वेरीज क्लियर कर देंगे। जल्द मिलूंगी आपसे। धन्यवाद।